लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 30 मई को आखिरी चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। इस दिन रैली के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद पीएम कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर ध्यान लगाएंगे। 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी सभा के बाद पीएम कन्याकुमारी जाएंगे। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा होगी। पीएम मोदी इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ गए थे, जहाँ उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया। स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने के लिए अमेरिका के शिकागो गए थे। यहीं पर उन्होंने वो भाषण दिया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। आज भी उनके भाषण की चर्चा होती है। कहा जाता है कि उस यात्रा से पहले उन्होंने 24 दिसंबर 1992 को कन्याकुमारी का दौरा किया था। यहाँ पर समंदर के किनारे से लगभग 500 मीटर दूर पानी के बीच में उन्हें एक विशाल शिला दिखी। वो तैर कर वहाँ पहुँचे और ध्यान मग्न हो गए। आखिर में उन्हें अपने जीवन से जुड़े लक्ष्य और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई और नरेंद्र विवेकानंद बन गए। साल 1970 में शिला के पास स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। इसमें 4 मंडप हैं। इस मंदिर की आर्किटेक्चर डिटेल एंटीक स्टाइल की है। इसके 70 फीट ऊंचे गुंबद को लाल और नीले ग्रेनाइट से तैयार किया गया है। यह स्थान 6 एकड़ में फैला है। यहाँ पर 4 फीट ऊंची प्लेटफॉर्म पर स्वामी विवेकानंद की बड़ी मूर्ति भी स्थापित की गई है। कांसे से तैयार इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 8.5 फीट है। इस चट्टान के साथ एक और कहानी जुड़ी है। माना जाता है कि समंदर के पानी में स्थित इस चट्टान पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की आराधना करते हुए तप किया था। उनके पैरों के निशान भी यहाँ पाए गए हैं। इस वजह से ये जगह धार्मिक महत्व भी रखती है। इस स्मारक में एक सभा कक्ष भी है, जिसका नाम नमस्तुभ्य जगदम्बा और सभा मंडप है। ये मेमोरियल एकता का प्रतीक है, क्योंकि पूरे देश ने इसके लिए काम किया और योगदान दिया। इसके उद्घाटन में सभी राज्यों से लोग शामिल हुए। इस स्मारक को कच्ची काम कोटी पीठम के परमाचार्य ने डिजाइन किया था, और जिसके चिन्ह में मिशन के स्वामी चिन्मयानंद ने पहला दान दिया। इसके लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने योगदान दिया।